नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गाजीपुर बॉर्डर में मैं इस वक्त मौजूद हूं क्योंकि लगातार एक साल का भी लंबा वक्त बीत चुका है, फिर भी किसान यहां पर लगातार डटे हुए हैं। तस्वीरें हम आप तक जरूर दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यों की जो बैठक होने वाली थी वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आपात बैठक अचानक से बुलाई गई क्योंकि कल ही देखिए प्रस्ताव रखा गया था केंद्र सरकार की ओर से किसानों को, 6 बिंदुओं पर का ये प्रस्ताव था, लेकिन 3 बिंदु ऐसे थे जिन पर किसानों को कुछ ना कुछ आपत्ति जरूर थी, और उसी आपत्ति को लेकर अब ये चर्चा अभी इस वक्त शुरू हो गई है। इसके बाद क्या रणनीति बनाते हैं किसान वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है क्योंकि देखिए लंबा वक्त बीत चुका है इस पूरे किसान आंदोलन को, और जहां तक आप निगाहें डालेंगे वहां पर वहां तक आपको केवल किसानों के तंबू ही तंबू खड़े हुए नजर आएंगे। देखिए सामने ही मेरे ठीक कुछ दूरी पर ही एक मंच भी है जहां पर किसान रोज सुबह एकत्रित होते हैं, फिर शाम को एकत्रित होते हैं, अपने कार्यक्रम वो करते हैं। अभी भी वहां पर कई किसान इस वक्त बैठे हुए हैं और इन्हीं के पीछे लगातार कतार लगी हुई है तंबुओं की, और एक साल से भी लंबा वक्त बीत चुका है। गाजीपुर बॉर्डर की यह तस्वीर है और इसी बात का इंतजार है कि आखिर ये तंबू कब खाली होंगे, ये सड़कें कब खाली होंगी, कब यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको इस परेशानी जो उनको हमेशा से होती आई है, इसे एक साल से होती आई है, क्योंकि 20 मिनट का रास्ता भी उनके लिए 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे का बन जाता था, और आज उसी बात का इंतजार हो रहा है। आज जो बैठक भी हो रही है उसमें भी इसी बात का इंतजार है कि आखिर कब किसान यहां से हटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है राकेश टिकैत जी, इस वक्त हमारे साथ है। राकेश जी, आज आपात एक बैठक भी बुलाएगी, क्या कारण उसका रहा? और हमारी बैठक है 5 लोगों की है, 9 की है, फिर संयुक्त मोर्चे की है सारी। क्या आज सुबह की अलग बैठक का क्या? हाँ, सुबह की अलग, जो 5 लोग हैं वे अलग बैठ कर अपना विचार विमर्श कर लेंगे। हाँ। उनकी हो सकते हैं किसी से बातचीत हुई हो चाहे तो विचार विमर्श कर लेते हैं इकट्ठा है, तो क्योंकि उन्हीं को इस संयुक्त मोर्चे में बताना होता है। अच्छा, तो केंद्र की तरफ से आप लोगों को प्रपोजल जो आया है उस पर क्या कुछ आपत्ति है, कुछ बिंदुओं पर? दे दिया उनको, कल भेज दिया था, उनका शायद आया होगा तो उसका जवाब आया होगा, तो उसका जवाब संयुक्त मोर्चे में आ जाएगा। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो आप लोगों की मीटिंग है उसमें क्या डिस्कस होने वाला है, क्या मैटर रहेंगे? मैटर तो हमारा यही रहेगा कि आंदोलन कैसे चले या कैसे खत्म हो और सरकार से क्या बातचीत हुई है। हाँ। उसी के आधार पर होता है सर। ये माना जाए कि पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, हम तो बढ़ रहे पॉजिटिव पे, आगे बढ़ रहे। सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव? हाँ, कुछ चाह रही, कुछ पैच है उसमें, कुछ क्या 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 किन चीजों पर? स्पीड ब्रेकर लगाते रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, स्पीड ब्रेकर लगा के ब्रेक करते रहे। तो आप चाह रहे हैं कि बैठकर बात हो? बैठ के भी बातचीत हो, वो भी एक समस्या का समाधान उससे भी होता है। तो क्या किसी मंत्री से आप लोगों की बातचीत हुई, केंद्रीय मंत्री से? नहीं हुई अभी किसी से। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन साथ साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का क्या कहना है वो भी आप साथ साथ सुन लीजिए। कमेटी है, उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव आ जाती है या MSP लागू नहीं करते तो हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा, और जब दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा कहीं बाद में ये शर्त ना अड़ा दें कि आपने आंदोलन तो सस्पेंड किया, वापस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं करते, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको क्लियर करना जरूरी है। ये बताइए चौधरी साहब, सवाल यही है कि धरने जो चल रहे मोर्चे पे दिल्ली की सीमा पे वो कब खत्म होंगे? आज ये कुछ नहीं पता कब खत्म होंगे, जब सारी बात मानी जाएगी तब खत्म होंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो कई दिन से टकरा रहा है, 4 दिन हो गए हैं, आज बताते हैं कल बताते हैं कल बताते हैं करके 4 दिन हो गए हैं, और हम आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से चेतावनी भी देना चाहते हैं कि या तो शराफत से वो बात मान ले जैसा पंजाब ने लागू किया हरियाणा भी कर दे, और वरना फिर हमें ये ना हो कि हमें वही पैटर्न जो पहले चल रहा था वो चालू करना पड़े। अब ये बात नहीं है कि 4 दिन से हम उनकी इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दे के लारा लगा के भेज दिया है और उसके बाद कोई ठोस बात नहीं कर रहे हैं। तो तमाम किसान नेताओं को आप सुन रहे थे, साथ साथ किसान नेता शिव कुमार कक्का का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक सभी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। साथ साथ किसान नेता युद्धवीर सिंह ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। बैठक है ये 5 मेंबरी की बैठक है, इसमें लगभग 4 बिंदुओं पर चर्चा होगी। आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, अभी अभी हरियाणा का मुद्दा है, 48,000 मुकदमे हरियाणा पर लगे हुए हैं, तो मुकदमे को लेकर हमारी भारी चिंता है क्योंकि हमने देखा है कि बाद में मुकदमे वापस होने में बहुत समस्याएं आती हैं, इसलिए सरकार से ये एश्योर करना चाहते हैं कि वो मुकदमा
वापस लेने की जो है नोटिफिकेशन जारी करें तो ज्यादा अच्छा रहे। देखिए आंदोलन करते हैं हम लोग, राजनीति नहीं करते, लड़ना हमारा काम है। जब भी इशू होगा, जो भी इशू होगा, उसके लिए पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई का अंत नहीं होता। अभी ये सब कुछ एडवांस कहने की बातें हैं, कोई इस पे चर्चा हुई नहीं। चर्चा होने के बाद बताएंगे आपसे मीटिंग के बाद क्या होता है। तो भारतीय किसान मोर्चा की अभी एक बैठक चल रही है पहले से ही अखिल भारतीय किसान सभा में, साथ साथ 2 बजे भी एक और बैठक होने वाली है किसानों की। इसमें क्या रणनीति बनाते हैं किसान, इसी पर सभी को इंतजार है, क्योंकि कल जो प्रस्ताव लाया गया था उसके बाद किसानों ने माना जरूर कि लिखित में एक प्रस्ताव सरकार की ओर से जरूर आया है, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसान अब यहां से धीरे धीरे अपने घर वापस लौटे। लगातार उनकी ओर से अपील की गई है और यही कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी दांव कहीं ना कहीं फंस रहा है, क्योंकि MSP की गारंटी मांग रहे हैं किसान। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस एक साल के दौरान जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए वो भी वापस लिए जाएं और जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन अब इसी बात का इंतजार है कि अब जो बैठक 2 बजे होगी उसमें क्या रणनीति बनाते हैं किसान, किस बात पर आखिर बात बनेगी या फिर नहीं, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है, किसानों को यहां पर लगातार वो डटे हुए हैं। ट्रैक पर सहमति बन गई है, हाँ पूरी तरह से सहमति बन गई, पूरी सहमति बन गई सर। वापसी हो रही, 5 मेंबरी कमेटी बोलेगी। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया, उसके बाद हमने SKM में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार MSP के मामले में कमेटी बनाएगी। और साथ साथ कांग्रेस संसदीय दल में भी किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई और साथ साथ सोनिया गांधी ने इस पूरे संसदीय दल की बैठक में किसानों का जो मुद्दा है उसको उठाया। उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए थे इस किसान आंदोलन के दौरान, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा का भी कहना था कि 700 किसान इस दौरान शहीद हुए हैं, सोनिया गांधी का ये कहना था कि उन किसानों का केंद्र सरकार को सम्मान करना चाहिए। केंद्र सरकार पर जमकर बरसी सोनिया गांधी। तो आज ही कांग्रेस संसदीय दल की एक बैठक हुई थी जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें एक मुद्दा किसान आंदोलन भी था, क्योंकि लगातार किसान यहां पर डटे हुए हैं। और कल ही बैठक हुई थी, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया था किसानों का और उसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब बर्फ पिघल रही है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन अब वो कब मानेंगे ये देखना होगा। सोनिया जी ने सही कहा, सरकार को अविलंब इन 700 किसान परिवारों को, जिनके परिजन ने अपनी जान की कुर्बानी दी इस आंदोलन में, उन परिवारों की सहायता के लिए आर्थिक मदद और सरकारी रोजगार की घोषणा करनी चाहिए। किसानों की सारी लंबित मांगों पर सरकार तुरंत सहमति जताते हुए इस आंदोलन को सुलझाने का काम करे। और साथ साथ जब से कृषि सुधार कानून वापस हुए हैं तब से लगातार BJP अपील करती आ रही है, निवेदन करती आ रही है इन किसानों से जो यहाँ गाजीपुर टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं कि वो अब अपने घर वापस लौट जाए। साथ साथ तमाम BJP नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सुझाव और निवेदन है अपने किसान यूनियन के नेताओं से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा हृदय करके किसानों का मान और सम्मान रखते हुए तीनों कृषि विधेयकों को वापस ले लिया है, और उनका नारा भी था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब बिल वापसी हो गई है तो हठधर्मता छोड़नी चाहिए। उनके अनेक मुद्दों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, MSP के ऊपर भी एक कमेटी का गठन सरकार कर रही है। नहीं, एक तरफ अगर संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि हमारे काफ़ी प्रस्ताव पर सहमत हो गई, मांग उनकी क्या थी जब वो इस धरने में आए थे? तो उन्होंने कहा था तीनों कानून वापस हो जो कृषि कानून है, और प्रधानमंत्री आखिर उस सदन में दोनों जगह बहस हुई, कृषि कानून पर चर्चा होने के बाद पारित हुआ। इसके बावजूद भी अगर उन तीनों कानून को प्रधानमंत्री ने बिना शर्त वापस ले लिया तो आज उनको जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब ये बिल वापस करने की बात कही थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था, मैं लाया था किसानों के हित में, वापस लिए हैं देश के हित में। बेवजह समस्याओं को उलझाना और उस पर राजनीति करनी ये कांग्रेस की पुरानी आदत है।